हूं नेहा आपके साथ, आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। कैथोलिक सेवा समाज ने किसानों को सम्मानित किया। मां गायत्री शक्तिपीठ बगरा में कैथोलिक सेवा समाज के तत्वाधान में किसान सम्मान समारोह का आयोजन फादर जॉली की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें किसानों को सम्मानित करने के साथ साथ जैविक खेती से होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नथु सिंह तोमर एवं विशिष्ट अतिथि सिस्टर अनम्मा मालती देवी, रीना सिंह, मंजू देवी, सियाराम कुशवा रहे। आयोजन में किसान प्रदीप सिंह और भारत यादव, भूपेंद्र सिंह तोमर सहित क्षेत्र के 30 से अधिक उन्नत कृषि करने वाले किसानों को शील्ड देकर संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया। किसान उत्पादक संगठन के पदाधिकारी नथु सिंह तोमर ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि FPO किसान उत्पादन संगठन एक बहुत ही अच्छा किसान हित में चल रहा प्रोजेक्ट है, जो कि नाबार्ड से संबंधित है। उन्होंने कहा कि इससे जो किसान जुड़ेंगे उन पंजीकृत किसानों को भविष्य में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे फादर जॉली ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बांगरा क्षेत्र में किसान जैविक खेती के प्रति बहुत जल्दी जागृत हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बांगरा में युवा किसान संस्था से जुड़कर अधिक से अधिक लोगों को जैविक खेती के लाभ पहुंचा रहे हैं। इस बात से हमारी संस्था को बहुत खुशी हुई। सम्मान समारोह आयोजन में बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक आयोजन कर लोगों का मन मोह लिया। सम्मान समारोह में राम प्रताप सिंह, मानवेंद्र सिंह, ब्रजेश सेन, दिनेश कुशवाहा, सुखनंदन कुशवाहा, हेमंत उमरिया, पलटू कुशवाहा, संतोष यादव, कालीचरण जगपाल अहिरवार सहित सैकड़ों पुरुष और महिला किसान उपस्थित रहे। बांगरा से प्रदीप सिंह गौर के साथ अमित सोनी की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।